वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं कभी आईपीएल का हिस्सा रहने वाले डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के बारे में, जो आईपीएल का हिस्सा 2008 से 2012 तक थे। डेक्कन चार्जर्स के ओनर थे डेक्कन क्रॉनिकल और गायत्री रेड्डी। ये फ्रेंचाइज तेलंगाना के हैदराबाद सिटी पर बेस्ड थी, जिसका होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद था। इंडिया के रॉबिन सिंह डेक्कन चार्जर्स के 2008 में हेड कोच थे और ऑस्ट्रेलिया के डैरन लेमन 2009 से 2013 तक थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में डेक्कन चार्जर्स की बात करें तो उनके पास बैट्समैन थे वीवीएस लक्ष्मण, हर्षेल गिब्स, वेणुगोपाल राव, द्वारका रवि तेजा, चमारा सिल्वा, अर्जुन यादव। विकेट कीपर्स की बात करें तो वो थे एडम गिलक्रिस्ट, अलहादर दास। ऑलराउंडर्स की बात करें तो वो थे रोहित शर्मा, एंड्रयू साइमंस, स्कॉट स्टाइरिस, शाहिद अफरीदी, संजय बांगर और नुवन जोयसा। स्पिनर्स की बात करें तो डेक्कन चार्जर्स के पास प्रज्ञान ओझा थे और फास्ट बॉलर्स थे रुद्र प्रताप सिंह, चमिंदा वास, दुदप्पनेनी कल्याण कृष्णा, पैदी कल्वा विजय कुमार और पीएम सर्वेश कुमार। टॉप थ्री मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे एंड्रयू साइमंस 5 करोड़ 42 लाख, आरपी सिंह 3 करोड़ 50 लाख और रोहित शर्मा 3 करोड़। टॉप थ्री हाईएस्ट रन स्कोरर की बात करें तो एडम गिलक्रिस्ट 436 रन, रोहित शर्मा 404 रन और वेणुगोपाल राव 288 रन। टॉप थ्री विकेट टेकर्स की बात करें तो आरपी सिंह 15 विकेट्स, प्रज्ञान ओझा 11 विकेट्स और शाहिद अफरीदी 9 विकेट्स। डेक्कन चार्जर्स ने पहले वीवीएस लक्ष्मण को कैप्टन बनाया था, फिर उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को कैप्टन बनाया। डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल 2008 में कुल 14 मैचेस खेले थे, जिसमें से सिर्फ 2 मैच जीतने में डेक्कन चार्जर्स कामयाब हुए थे और 12 मैचेस में हार का सामना डेक्कन चार्जर्स को करना पड़ा था। डेक्कन चार्जर्स उस सीजन के पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन पर थे। डेक्कन चार्जर्स के इंडियन प्रीमियर लीग 2009 के बारे में बात करें तो चार्जर्स ने लास्ट ईयर के स्क्वाड से सिर्फ शाहिद अफरीदी को रिलीज किया था और ऑलराउंडर संजय बांगर को केकेआर में ट्रेड कर दिया था। डेक्कन चार्जर्स ने न्यू बैट्समैन अभिनव कुमार और अजर बिलाखिया को खरीदा था। विकेट कीपर के रूप में डेक्कन चार्जर्स ने मनविंदर बिस्ला को खरीदा था और नए ऑलराउंडर तिरुमला सेट्टी सुमन और वेस्ट इंडीज के ड्वाइन स्मिथ को खरीदा था। नए तेज गेंदबाजों की बात करें तो रियान हैरिस, फिडल एडवर्ड्स, हरमीत सिंह, जसकरण सिंह और शोएब आहमेद को खरीदा था। उस सीजन के टॉप थ्री एक्सपेंसिव बाय थे फिडल एडवर्ड 73 लाख, ड्वाइन स्मिथ 49 लाख और रियान हैरिस 34 लाख। टॉप थ्री हाईएस्ट रन स्कोरर थे एडम गिलक्रिस्ट 495 रन, हर्षल गिब्स 371 रन और रोहित शर्मा 362 रन। टॉप थ्री हाईएस्ट विकेट टेकर थे आरपी सिंह 23 विकेट, प्रज्ञान ओझा 18 विकेट्स और रोहित शर्मा 11 विकेट्स। एडम गिलक्रिस्ट ही 2009 में डेक्कन चार्जर्स के कैप्टन थे। आईपीएल 2009 में गिलक्रिस्ट को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और मोस्ट सिक्सेस, आरपी सिंह को पर्पल कैप और रोहित शर्मा को इमर्जिंग प्लेयर मिला था। आईपीएल 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने टोटल 16 मैचेस खेले थे, जिसमें से डेक्कन चार्जर्स को 12 मैचेस में जीत मिला था और सिर्फ 4 मैचेस में डेक्कन चार्जर्स ने हार का सामना किया था। डेक्कन चार्जर्स 20 पॉइंट के साथ उस सीजन टेबल में सबसे ऊपर थे। डेक्कन चार्जर्स ने सेमीफाइनल में दिल्ली डेयरडेविल्स को हराया था और फाइनल में प्रवेश किया था, जहां पे उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर चैंपियन बने थे। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए डेक्कन चार्जर्स आईपीएल 2009 का चैंपियन थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2010 के डिफेंडिंग चैंपियन डेक्कन चार्जर्स ने स्कॉट स्टाइरिस, नुवान जोयसा, फिडल एडवर्ड्स, मनविंदर बिस्ला, हरमीत सिंह, चमारा सिल्वा जैसे प्लेयर को और डीपी कल्याण कृष्णा, डीपी विजय कुमार, पीएम सर्वेश कुमार, शोएब अहमद, अभिनव कुमार और हलहादर दास को रिलीज कर दिया था और ऑक्शन में अनिरुद्ध सिंह, बोडापट्टी सुमंत और मोनिस मिश्रा जैसे बैट्समैन को खरीदा था। और नए ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और आशीष रेड्डी को खरीदा था और डेक्कन चार्जर्स ने स्पिनर्स के रूप में राहुल शर्मा को खरीदा था। और तेज गेंदबाजों की बात करें तो हरमीत सिंह को वापस खरीदा था और न्यूली किमार रोज को खरीदा था।
उस सीजन के टॉप थ्री मोस्ट एक्सपेंसिव बाय थे केमार रोच 3.30 करोड़, मिचेल मार्श 23 लाख और राहुल शर्मा 8 लाख। टॉप थ्री हाईएस्ट रन स्कोरर थे एंड्रयू साइमंस 429 रन, रोहित शर्मा 404 रन और टी सुमन 307 रन। उस सीजन के टॉप थ्री हाईएस्ट विकेट टेकर थे प्रज्ञान ओझा 21 विकेट्स, रियान हैरिस 14 विकेट्स और आरपी सिंह 13 विकेट्स। एडम गिलक्रिस्ट ही 2010 में डेक्कन चार्जर्स के कैप्टन थे और प्रज्ञान ओझा ने आईपीएल 2010 का पर्पल कैप जीता था। डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल 2010 में टोटल 16 मैचेस खेले थे, जिसमें से डेक्कन चार्जर्स को 8 मैचेस में जीत हासिल हुआ था और 8 ही मैचेस में डेक्कन चार्जर्स को हार का मुंह भी देखना पड़ा था। डेक्कन चार्जर्स उस सीजन के पॉइंट्स टेबल के दूसरे पोजीशन पर थे। सेमीफाइनल में सीएसके से हारकर डेक्कन चार्जर्स लीग से बाहर हो गए थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2011 में डेक्कन चार्जर्स ने सभी खिलाड़ियों को रिलीज करके मेगा ऑक्शन 2011 में नई टीम बनाया था। उस टीम में रहने वाले बैट्समैन थे शिखर धवन, क्रिस लिन, कैमरन व्हाइट, केविन पीटरसन, माइकल लंब, भरत चिपली, ईशांक जग्गी, सनी सोहेल, अर्जुन यादव, द्वारका रवितेजा, जयदेव शाह। डेक्कन चार्जर्स ने विकेट कीपर्स खरीदे थे कुमार संगाकारा और केदार देवधर। डेक्कन चार्जर्स के ऑलराउंडर्स थे जिन पॉल डुमिनी, डैन क्रिस्टियन और आशीष रेड्डी। डेक्कन चार्जर्स के पास स्पिनर्स थे अमित मिश्रा, प्रज्ञान ओझा, आकाश भंडारी और अंकित शर्मा। डेक्कन चार्जर्स ने नए तेज गेंदबाज खरीदे थे डेल स्टेन, ईशांत शर्मा, रस्ती थेरॉन, मनप्रीत गौनी, आनंद राजन, हरमीत सिंह और ईशान मल्होत्रा। टॉप थ्री मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे डेल स्टेन 5 करोड़ 52 लाख, कैमरन व्हाइट 5 करोड़ 6 लाख और डैन क्रिस्टियन 4 करोड़ 14 लाख। डेक्कन चार्जर्स के टॉप थ्री हाईएस्ट रन स्कोरर थे शिखर धवन 400 रन, कुमार संगाकारा 358 रन और सनी सोहेल 249 रन। डेक्कन चार्जर्स के टॉप थ्री हाईएस्ट विकेट टेकर थे अमित मिश्रा 19 विकेट्स, डेल स्टेन 14 विकेट्स और ईशांत शर्मा 11 विकेट्स। डेक्कन चार्जर्स ने कुमार संगकारा को कैप्टन बनाया था, बाद में फिर कैमरन व्हाइट को कैप्टेंसी दिया गया था। डेक्कन चार्जर्स ने उस सीजन कुल 14 मैचेस खेले थे, जिसमें से डेक्कन चार्जर्स की टीम 6 मैच जीतने में कामयाब रहे और डेक्कन चार्जर्स को 8 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा था। डेक्कन चार्जर्स आईपीएल 2011 के पॉइंट टेबल के 7th पोजीशन पर थे। डेक्कन चार्जर्स के आखिरी आईपीएल सीजन की बात करें तो उन्होंने माइकल लाम, जयदेव शाह और ईशान मल्होत्रा जैसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया था और स्पिनर प्रज्ञान ओझा को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया था। तेज गेंदबाज हरमीत सिंह को भी किंग्स इलेवन पंजाब में ट्रेड कर दिया था और इंग्लैंड के केविन पीटरसन को दिल्ली डेयरडेवल्स में ट्रेड किया था। पुणे वॉरियर्स इंडिया से ट्रेड करके अभिषेक झुनझुनवाले को अपने टीम में लाए थे। वेस्ट इंडीज के डैरन ब्रावो, ऑस्ट्रेलिया के डैनियल हैरिस, तन्मय मिश्रा, बिप्लव समंत्रे और तन्मय श्रीवास्तव जैसे नए बल्लेबाज को डेक्कन चार्जर्स ने खरीदा था। डेक्कन चार्जर्स ने विकेट कीपर पार्थिव पटेल को ऑक्शन में से खरीदा था। नए ऑलराउंडर्स की बात करें तो डेक्कन चार्जर्स ने स्वायत्त क्वाद्री, अक्षत रेड्डी, अच्युता राव, टीपी सुधेंद्र जैसे डोमेस्टिक ऑलराउंडर्स को खरीदा था। स्नेह किशोर के रूप में डेक्कन चार्जर्स ने बस एक ही स्पिनर खरीदा था और नए तेज गेंदबाज वीर प्रताप सिंह को ऑक्शन में खरीदा था। डेक्कन चार्जर्स के टॉप थ्री एक्सपेंसिव बाय थे पार्थिव पटेल 2 करोड़ 99 लाख, डैरन ब्रावो 50 लाख और डैनियल हैरिस 35 लाख। टॉप थ्री हाईएस्ट रन स्कोरर थे शिखर धवन 569 रन, कैमरन व्हाइट 479 रन और जेपी डुमिनी 244 रन। डेक्कन चार्जर्स के लिए टॉप थ्री हाईएस्ट विकेट टेकर थे डेल स्टेन 18 विकेट, अमित मिश्रा 13 विकेट और आशीष रेड्डी 11 विकेट। कुमार संगकारा को कैप्टन बनाया गया था, लेकिन खराब परफॉर्मेंस के बाद फिर से एक बार कैमरन व्हाइट को कैप्टन बनाया गया। डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल 2012 में कुल 16 मैचेस खेले थे, जिसमें से डेक्कन चार्जर्स को सिर्फ 4 मैचेस में जीत हासिल हुआ था और डेक्कन चार्जर्स को 11 मैचेस में ही हार का सामना करना पड़ा था। डेक्कन चार्जर्स पॉइंट्स टेबल पर 8th पोजीशन पर थे। डेक्कन चार्जर्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो
उनके टॉप थ्री हाईएस्ट रन स्कोरर थे एडम गिलक्रिस्ट 1289 रन, रोहित शर्मा 1219 रन और शिखर धवन 969 रन। इंडियन प्रीमियर लीग में डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइज के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं प्रज्ञान ओझा 62 विकेट्स, आरपी सिंह 54 विकेट्स और डेल स्टेन 32 विकेट। इंडियन प्रीमियर लीग में डेक्कन चार्जर्स ने टोटल 76 मैचेस खेले हैं, जिसमें से डेक्कन चार्जर्स को जीत मिला है 32 मैचेस में और डेक्कन चार्जर्स को हार का सामना करना पड़ा था 43 मैचेस में। आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स के साथ जुड़ने वाले स्पॉन्सर्स थे जेपी ग्रुप, डेक्कन क्रॉनिकल, आइडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, फ्लाई एमिरेट्स, मैकडोनल्ड नंबर वन, जेपी सीमेंट, पुमा और नाइक। डेक्कन चार्जर्स के आईपीएल से टर्मिनेशन के बारे में बात करें तो आईपीएल 2012 में होने वाले स्पॉट फिक्सिंग मामले में डेक्कन चार्जर्स को इन्वॉल्व पाया गया था और उनके खिलाड़ी टीपी सुधेंद्रन को लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था और डेक्कन चार्जर्स के मालिकों का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा था। इन्हीं सब कारणों से मालिकों ने डेक्कन चार्जर्स को ऑक्शन सेल के लिए रख दिया, जहां पे पीबीपी वेंचर्स ने डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइज के लिए फाइनल बिड जीता था, लेकिन रकम से खुश ना होने की वजह से मालिकों ने फाइनल बिड कैंसिल कर दिया। इसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया और 14 सितंबर 2012 को डेक्कन चार्जर्स को ऑफिशियली बैन कर दिया। फिर बीसीसीआई ने हैदराबाद फ्रेंचाइज के लिए ऑक्शन सेल रखा और 25 अक्टूबर 2012 को सन टीवी नेटवर्क ने फाइनल बिड जीता और नए टीम का नाम सनराइजर्स हैदराबाद रखा गया था। फिर 2020 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के मध्यस्थताकारी न्यायाधीश ने बीसीसीआई द्वारा डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल से बैन करना इलीगल बताया और बीसीसीआई द्वारा डेक्कन क्रॉनिकल को 2012 से 4,814.67 करोड़ के साथ 10% का इंटरेस्ट का मुआवजा दिलाया गया। ऐसा था कभी आईपीएल का चैंपियन बनने वाले डेक्कन चार्जर्स का आईपीएल जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।